हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस और क्लास टेंथ के चैप्टर टी फ्रॉम असम, जो कि मैं बोल सकता हूँ कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट थ्री है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। तो लेट्स लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हु वर प्रांजल एंड राजवीर एंड वेयर वर दे गोइंग? प्रांजल एंड राजवीर वर क्लासमेट्स। प्रांजल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। अब देखिए, जो प्रांजल के फादर हैं वो मैनेजर हैं टी गार्डन के अपर असम में, और जो टू बॉयज़ हैं दे वर गोइंग देयर टू स्पेंड देयर समर वेकेशंस। वो अपनी जो है समर की जो वेकेशंस हैं, छुट्टियां बिताने के लिए गए हुए हैं। एंड दे वर गोइंग बाय ट्रेन। और वो किस कैसे जा रहे हैं वहाँ पर? वो ट्रेन से जा रहे हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। What happened when the train stopped at the first station in Assam? जब ट्रेन जो है फर्स्ट स्टेशन पर रुकती है असम में, तो क्या हुआ वहाँ पर? A vendor came selling hot tea. तभी वहाँ पर एक वेंडर आता है जो कि हॉट टी सेल कर रहे हैं। प्रांजल एंड राजवीर गॉट फ्रॉम हिम टू कप्स ऑफ टी। दोनों ने दो कप चाय ली। दे बिगैन टू सिप द हॉट टी। उन्होंने हॉट टी पीना शुरू किया। एंड सून दे सॉ दैट ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी। तब उन्होंने देखा कंपार्टमेंट में तो हर कोई चाय पी रहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड प्रांजल डू वाइल सिटिंग इन द ट्रेन एंड व्हाई? प्रांजल ने क्या किया जब वो ट्रेन में बैठा हुआ था और क्यों? अब आपको थोड़ा सा अगर याद हो तो प्रांजल ने क्या किया था। प्रांजल रिमेंड लॉस्ट इन रीडिंग ए डिटेक्टिव बुक। प्रांजल जो है वो तो अपनी डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। He was not keen to watch the scenery outside. उसको बिल्कुल भी शौक नहीं है बाहर की सीनरी देखने का। He was born and brought up on a plantation. उसका जन्म भी यहीं पर हुआ है और वहीं पर पला बड़ा है, तो उसके लिए कॉमन सी साइट है। So he did not have Rajveer's excitement to look at the greenery outside. तो उसको जो है राजवीर की एक्साइटमेंट को देखकर भी कुछ नहीं हो रहा, जो कि बाहर की ग्रीनरी को देखकर बहुत खुश हो रहा है। तो राजवीर तो एक्साइटेड था, लेकिन प्रांजल को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे बाहर की सीनरी कैसी भी क्यों नहीं थी। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट एक्साइटेड राजवीर? व्हाई डिड प्रांजल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट? अब राजवीर के लिए नई चीज़ क्या थी जिसने उसे एक्साइटेड किया, लेकिन प्रांजल को बिल्कुल भी उसको शेयर करने में कोई मज़ा नहीं था। तो राजवीर गॉट एक्साइटेड टू सी अ टी गार्डन, बट प्रांजल डिड नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट बिकॉज इट वॉज नथिंग न्यू फॉर हिम। अब देखो, राजवीर तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार टी गार्डन को देखा है, वो भी इतनी जहाँ तक आई साइट जाती है, लेकिन प्रांजल की तो ये कॉमन सी बातें हैं। तो उसने कोई भी एक्साइटमेंट शेयर नहीं की। एंड ही हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन। उसका जन्म भी यहीं हुआ था और वो यहीं पला बड़ा भी था। क्वेश्चन नंबर फाइव, Why was राजवीर excited to see the tea garden? राजवीर जो है टी gardens को देखकर excited किस लिए? तो राजवीर had never seen a tea garden in his life. He was quite excited when he got a chance to see one. तो जब उसने एक garden को देखा वो बहुत excited हो जाता है। Question number सिक्स है, What Chinese story did राजवीर tell about the discovery of tea? अब Chinese story के बारे में बताना है बच्चों। अगर आपने मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने स्टोरी बताई थी आपको, तो आई थिंक सो आपको आंसर बहुत क्लियर होगा। सो देयर वॉज ए चाइनीज एम्परर, ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो वन डे क्या होता है, सम ट्विग्स वर बर्निंग अंडर द पोट, अ फ्यू लीव्स फ्रॉम द ट्विग्स फेल इन टू द पोट। और वो जो पोट में गिरते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी का फ्लेवर है या पानी का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। And they gave the water a delicious flavor. So it is said that those were tea leaves. और ऐसा कहा जाता है कि वो कौन से leaves थे, वो tea leaves थे, जिसकी वजह से पानी का जो flavor overall change हो गया। So question number सेवन की तरफ चलते हैं। How does राजवीर describe the tea garden at the Kiabri? यानी राजवीर ने जो garden को है, tea garden को कैसे describe किया, the Kiabri में था। So the tea garden at the Kiabri was managed by Pranjal's father. On both sides of the gravel road in the Kiabri tea estate were acre of tea bushes. अब देखिए वहाँ पर क्या थे,
और जो ग्रुप्स ऑफ विमेन हैं वो प्लक कर रही थी विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, एंड जो नई स्प्राउटेड लीव्स हैं पर्टिकुलरली उन्हीं को ही प्लक किया जा रहा था. सो व्हाट लीजेंड्स डिड राजवीर टेल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, यानी क्या लीजेंड बताई राजवीर ने डिस्कवरी ऑफ टी यानी टी की खोज के बारे में. सो राजवीर टोल्ड टू लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी. वन वॉज द चाइनीज लेजेंड एंड द अदर वॉज द इंडियन लेजेंड. अब चाइनीज लेजेंड की जो स्टोरी है वो देखिए क्या थी. देयर वॉज ए चाइनीज एम्परर, ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. वन डे सम ट्विग्स वर बर्निंग अंडर द पॉट, अ फ्यू लीव्स फ्रॉम द ट्विग्स फेल इन टू द पॉट एंड दे गेव द वाटर अ डिलीशियस फ्लेवर. ये बच्चों मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ चाइनीज, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया. अब आ जाते हैं इंडियन लेजेंड के बारे में. देयर वॉज अ बुद्धिस्ट एसेटिक नेम्ड बोधिधर्मा, जो एक मोंग टाइप के लोग होते हैं, बुद्धिस्ट मोंग थे. ही ऑफन फेल स्लीपी ड्यूरिंग हिज मेडिटेशंस. जब भी वो मेडिटेशन के लिए बैठते थे तो उनको नींद आ जाती थी. एंड टू स्टॉप दिस ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, और ये सब रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी आईलिड्स को कट किया. इट इज़ सैड दैट 10 लीफ टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, कि 10 जो है टी प्लांट्स उन आईलिड्स से जो है तैयार हो जाते हैं. एंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स जो कह सकते हैं वो उन्होंने डाले किस में, और जब उन्होंने उस पानी को पिया तो उसकी वजह से कहते हैं कि उनकी नींद जो है चली गई. तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी की डिस्कवरी यहाँ से होती है. तो ये स्टोरी थी जो हमने पढ़ी है टू लीजेंड्स. सो बच्चों आई फील दीज क्वेश्चंस आर रियली गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प टू यू. सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. Have a nice day.